दोस्तों, ये कहानी है ऐसे व्यक्ति के संघर्ष के बारे में जिसने किसानों को मुनाफा कमाने का मौका दिया। कुरियन के पास इतनी डिग्रियां थी कि वह अगर चाहते तो कोई ऊंचे पद की नौकरी कर सकते थे। वर्गीस कुरियन को संपत्ति का अभाव नहीं था। उनके पिता कोची में सिविल सर्जन थे, लेकिन उनमें कुछ कर दिखाने का जुनून था, इसलिए उन्होंने दुग्ध उद्योग को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और कई नामों से उद्योग खोलकर लोगों को नौकरी देने के साथ साथ मुनाफा भी कमाया। पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मानों से अलंकृत डॉक्टर कुरियन कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। रोमांचक बात यह है कि इस अनूठी कहानी को रचने वाले व्यक्ति की क्रांति से जाने अनजाने हम सभी जुड़े हैं, फिर वह चाहे अमूल के नाम के जरिए ही क्यों न हो। ये कहानी है अमूल के संस्थापक वर्गीस कुरियन की। आमतौर पर भौतिक में स्नातक, बी मैकेनिकल और अमेरिका से मास्टर ऑफ साइंस जैसी डिग्री लेने के बाद आयरन, स्टील, पेट्रोकेमिकल और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग जैसी असीमित संभावना वाले क्षेत्र में इन डिग्रीधारियों वाले व्यक्तियों का स्वागत शानदार नौकरी और बेशुमार पैसे से होता है। लेकिन यदि इन डिग्रियों के बावजूद कोई भैंस के दूध का उत्पादन, मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क और डेयरी उत्पादों पर काम करता नजर आए तो ये कुछ अटपटा लग सकता है और शुरू में लोग उसे बेवकूफ भी कह सकते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही वह मैकेनिकल इंजीनियर हैं जिन्होंने दुग्ध उद्योग में नई क्रांति को जन्म दिया। मद्रास के लोयला कॉलेज से भौतिक में स्नातक, मद्रास से बी मैकेनिकल और अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर कुरियन ने अपनी किस्मत को दुग्ध उद्योग में अपनाया और अपने प्रयासों की बदौलत इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयां दी। उनका विश्वास था कि समृद्धि मोटी तनख्वाह से नहीं आती बल्कि अपने आप को सही जगह पर इस्तेमाल करने से आती है जहां आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। समृद्धि की यह नींव तब पड़ी जब डॉक्टर कुरियन गुजरात के आनंद शहर पहुंचे। वे गवर्नमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट में बतौर डेयरी इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। वहां से छोटी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। विज्ञान के छात्र के रूप में प्रयोगों के प्रति उनका झुकाव होना स्वाभाविक था और इसलिए उन्होंने कुछ नए प्रयोग भी किए, जैसे गाय के दूध के बजाय भैंस के दूध का उत्पादन करना। अपने अनुभव से उन्होंने सहकारी समितियों में यह प्रस्ताव रखा कि किसान स्वयं के लघु उद्योग में प्रबंधन करके अच्छा मुनाफा कमाए। वो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन व मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हैं। डॉक्टर वर्गीस ने विशाल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑपरेशन फ्लड के नाम से चलाया। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और किसान और गृहणियों के लिए मुनाफे का आधार बना। ऑपरेशन फ्लड के कारण 72,000 भारतीय गाँव दूध उत्पादन बेच सके। उन्होंने क्रांतिकारी प्रयोग केवल न सिर्फ सफल रहे बल्कि उपलब्धि भी माने गए। लेकिन कुरियन ने इस सरकार द्वारा मिली छात्रवृत्ति और उससे हासिल की गई शिक्षा को देश के विकास में अपने योगदान के रूप में लौटाने से अधिक कुछ नहीं समझा। यहाँ तक कि जो प्रयोग दुनिया को क्रांतिकारी लगते थे वे कुरियन को संतुष्ट तक नहीं कर पाए। अपने योगदान से असंतुष्ट कुरियन ने वहां से जाने का मानस बना लिया। कुरियन ने बेशक कंपनी बदल दी लेकिन आनंद उनकी कर्मभूमि बन चुका था। गवर्नमेंट रिसर्च क्रिमरी की नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद त्रिभुवन दास से जुड़ने का प्रस्ताव आया जो कायरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूस यूनियन लिमिटेड के संचालक थे, जिन्हें नियुक्त करने का निर्णय उस वक्त खेड़ा कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे सरदार पटेल और मोरोराजी देसाई ने लिया था। त्रिभुवन दास सत्याग्रही भी थे और कायरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूस यूनियन लिमिटेड के माध्यम से सहयोगात्मक आंदोलन चलाना चाहते थे। त्रिभुवन दास के आग्रह को कुरियन ठुकरा न सके। दरअसल इस आग्रह से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए वह चुनौती थी जो KDCMPUL के रूप में उनके सामने खड़ी थी। कुरियन ने KDCMPUL को तब थामा जब वहां पेस्टांजी एदुलजी की पॉलिसन का एकाधिकार था और KDCMPUL काफी कमजोर हालत से गुजर रही थी। KDCMPUL की चुनौतियां बहुत आसान नहीं थी। इसका प्रमाण था कि यहाँ प्रवेश करते ही उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी बाधा कुरियन के इरादों को झुका ना सकी। KDCMPUL के मैनेजर के रूप में प्रबंधिक काम निभाने के अलावा उन्होंने मंत्री अधिकारियों और सिविल सर्वेंट्स का भी सामना किया और निर्णायक परिणाम हासिल किया। उनकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। वे एक के बाद एक सफलता हासिल करने लगे। इसी दौरान लगातार त्रिभुवन दास उनके पथ प्रदर्शक, सलाहकार और नेतृत्व कार्यों की भूमिका निभाते रहे। और भी मंजिलें तय करनी बाकी थी जिन्हें हासिल करने के लिए कुरियन ने मजबूत रणनीति के तहत 1946 में चकलासी गांव में मीटिंग की। इस मीटिंग में दो ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकृत हुए जिसका परिणाम स्वरूप
भारत में डेयरी सहकारिता आंदोलन समूह की नींव रखी गई, जिसके तहत किसानों ने भी निश्चय किया कि वो पोलसन की दूध की आपूर्ति पूरी नहीं करेंगे। हर गांव में सहकारी समितियों का निर्माण व आनंद में यूनियन की स्थापना होगी। धीरे धीरे सभी मुद्दों को संचालित किया जाने लगा और कुरियन व त्रिभुवनदास दोनों एक दूसरे के आदर्श साझेदारी साबित होने लगे। दोनों ने अपने अपने स्तर पर काम बांट लिया, जहां एक तरफ त्रिभुवनदास राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया को संभालते, वहीं दूसरी तरफ कुरियन ने टेक्नोट्रिक के रूप में किसानों को सेवाकार बनाना स्वीकार किया। साथ ही कुरियन ने अपने सामने खुद ही लक्ष्य तय किया। कुरियन का कहना था, मैं हमेशा से मानता हूँ कि ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है, साथ ही अपने काम को दृढ़ता से करो और अपने प्रयासों को थमने न दो, यही सफलता का रहस्य है। अपनी इस सोच के साथ उन्होंने प्रयास जारी रखा। केडीसीएम प्यूल को एक मुकाम देने के बाद उन्होंने नए प्रयोग के रूप में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की, ताकि आनंद पैटर्न के विश्व स्तरीय बनाए जा सके। धीरे धीरे केडीसीएम प्यूल की उपलब्धियों ने श्वेत क्रांति को जन्म दिया। ये इतनी प्रभावी थी कि इसका प्रचार श्याम बैगनल की डॉक्यूमेंट्री मंथन में दिखा। दरअसल इस क्रांति ने दूध उद्योग का चेहरा बदल कर रख दिया था। कुरियन जानते थे कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। केडीसीएम प्यूल की सफलता के बाद उन्होंने अमूल पैटर्न की नींव रखी। उस वक्त गिने चुने लोग इसके बारे में जानते थे, इस बात से अनजान थे कि एक दिन ये विश्व स्तरीय ब्रांड के रूप में उभर कर आएगा। धीरे धीरे अमूल की गिनती श्रेष्ठ ब्रांड में होने लगी और विज्ञापन द्वारा उसका प्रचार प्रसार होने लगा। उनकी पंचलाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया, अटरली बटरली डिलीशियस, अमूल दूध पीता है इंडिया, हर किसी की जुबान पर था। आज अमूल एक स्थापित ब्रांड है। अमूल की कामयाबी हासिल करने के बाद डॉक्टर वर्गीस ने इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया और एक के बाद एक प्रधान संस्थानों का निर्माण शुरू कर दिया, जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDB 1965, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF 1973, वह मैनेजमेंट के प्रमुख संस्थान IIMS अहमदाबाद और बेंगलोर के सदस्य भी रहे। उनके काम को सरकार और कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने सराहा और कई पुरस्कारों से भी नवाजा, लेकिन कुरियन ने हमेशा इसे अपने देश के लिए किए गए छोटे से प्रयास के रूप में देखा। उनके विश्वास था कि लोगों के सहयोग से आनंद सफल हो पाया। अगर गरीब किसान और पशुपालक खुद सफल नहीं बनना चाहते तो कोई भी उन्हें सफल नहीं बना पाता। कुरियन के द्वारा लिखी गई किताब आई टू हेडेड रिम में उन्होंने अपने जीवन के तमाम संघर्ष और उपलब्धियों का जिक्र किया है। वह कहते हैं, मेरे जीवन का सिद्धांत यही है कि मैं उन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करूं जो गरीब और असहाय है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी एक साधारण आदमी की तरह व्यतीत करूं। कुरियन अपने शब्दों को जीने वाले में से है। इसका प्रमाण है उन्होंने गरीब किसान और दलित आदिवासियों को आगे आने का मौका दिया और आज अमूल पूरे देश में प्रसिद्ध है। उनके जन्म दिवस को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। समृद्धि को देखना अपने आप में एक नजरिया होता है। कोई छोटी मोटी तनख्वाह में देखता है तो कोई प्रसिद्धि में, कोई दूसरों के हितों में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन उन लोगों में से थे जिन्होंने कमजोरी लोगों को सफल बनाने में एक समृद्धि नजर आई। उनके प्रयासों और सफलता ने इसे विश्वास को साबित कर दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई के बावजूद दुग्ध उद्योग को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, जहां लोगों को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी। इसी तरह की और इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक करके और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।